चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद इसरो अब लॉन्च करने जा रहा है सूरज की रिसर्च के लिए आदित्य L1। वैसे मैं आपको बता दूं, आदित्य का मतलब ही सूर्य होता है। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि क्या सूरज के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, मशीन जलेगी नहीं क्या, पिघलेगी नहीं क्या, सैटेलाइट तो पहुंच ही नहीं पाएगी, पिघल जाएगी। तो अरे मेरे प्यारे दोस्तों, अपन वहां सूरज के ऊपर लैंड थोड़ी कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए L1 नाम का स्पॉट, लिंकेज 1। जी हाँ, आप अब सही सोच रहे हैं, यहीं पे अपना आदित्य L1 रुक कर रिसर्च करता रहेगा, या फिर यूं कह लो कि यही उसका फाइनल डेस्टिनेशन है, वो सूरज के ऊपर लैंड नहीं कर रहा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस सूरज से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसरो आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से 2 सितंबर 11:50 AM को लॉन्च करेगा, और आदित्य L1 लोकेशन L1 तक जाकर सूरज की रिसर्च करेगा। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज है, ये L1 जो लिंकेज के नाम से भी फेमस है, वो जगह अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर है। अगर मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करूँ तो अर्थ से 3 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन अर्थ से ये 11.15 लाख किलोमीटर दूर है, यानी कि अर्थ से मून की दूरी से भी 5 गुना ज्यादा दूर है ये L1। और आप जानते हैं कि इसरो को कितने सालों बाद चांद की कामयाबी मिली है, तो आदित्य L1 को इस पॉइंट तक पहुंचाना, वो भी बिना कनेक्शन के लॉस्ट हुए, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है अपने आप में। इसरो को आदित्य L1 को इस L1 पॉइंट तक पहुंचाने में 110 दिन यानी कि 4 महीने का टाइम लगने वाला है। और एक मजे की बात बताऊं, आदित्य L1 सूरज की 5 साल तक रिसर्च करेगा। आदित्य L1 को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, और आदित्य L1 को बनाने में इसरो का 378 करोड़ यानी 388 करोड़ रुपीज का खर्चा आया है। वैसे इस मिशन के बारे में मेरे पास इतनी ही जानकारी थी, अगर इसमें से भी कुछ भी आपको गलत लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्यार से ड्रॉप कर देना।